गुड मॉर्निंग जी, ईद मुबारक। नाश्ता वाश्ता हो चुका है, क्या देख रहे हो तुम मुझे ऐसे? हाँ और ये मेरे भैया जितने फारिग निकले, मैंने इनको कहा था कि आप लोग जब आओगे ना, मैं सुबह बस इनसे मिल गई। जिस टाइम पे मैं इतनी नींद में थी ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि मैं बिल्कुल ब्लॉग वगैरह नहीं बना सकती थी, और मैंने इनको कहा था कि आप एक ड्रामेटिक शॉट कर लेंगे कि आप लोग आओगे, मैं आप लोगों को ईद मुबारक कर लेकिन ये लोग इतने बदतमीज निकले, इन्होंने वो वाला मेरा शॉट नहीं किया जो मैंने छोटी ईद पे बनाया था ना ब्लॉग, उसमें सबको वो क्लिप इतनी अच्छी लगी जो मेरे भाई आके मुझे ईद मुबारक कह रहे थे। बदतमीज है ना ये लोग, कि इन्होंने कपड़े भी आके चेंज कर लिए, फास्ट स्पीड चेक कर रहे हैं कि बस नमाज पढ़ी आके नाश्ते के फौरन कपड़े चेंज कर लिए। वाह भाई वाह। तो अभी मैं भी नाश्ता वाश्ता करती हूँ और फिर हम सो जाएंगे क्योंकि आज हम बहुत जल्दी। नाश्ता हो गया है। मैंने नहीं की चाय, मेरी चाय दिखाओ तुम। तुम्हारा हो गया ना? गाय तुम्हारा हो गया तो तुमने कैसे बोला कि मेरा भी नाश्ता हो चुका है? बहुत चमीज तुम्हारा हुआ ना। तो बस चाय वाय पीते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं और चप्पल लाए मेरी। जाइए, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज। एंड यस, अभी रेडी हो जाओ आप लोग भी, तो आप लोग ने मुझे अपनी ईदों की पिक्चर्स भी भेजनी है, ठीक है? अपनी कुर्बानी के साथ, मैंने हमारी कुर्बानी का है, हमारी कुर्बानी है, बाहर खड़ी है, मैंने देख भी। फिलहाल थोड़ा गेट खोलो, पैजी सुनेगा नहीं कहाँ है। ओ माई गॉड, हेलो काओ। चलो बस काओ को अल्लाह हाफिज़ कर लो और नाश्ता करते हैं। वो चलिए जी, ये रूम तो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है फॉर द कुर्बान। यार ये फ्रेम भी हटा दो मामा, अभी देखो व्लॉग करते करते मुझे याद आया, ये फ्रेम भी हटा दो क्योंकि वो जो है ऊपर ऊपर तक जाते हैं, फ्रेम के ऊपर कुछ है तो नहीं है ना। अभी देखो व्लॉग में मुझे याद आया, कितनी स्मार्टी हूँ मैं। तो ये पूरा हमारा जो है रूम रेडी हो चुका है और सारे जो यहाँ के जो हमारे सोफे हैं वो अंदर, यहाँ पे सोफा बाजार बन चुका है, सोफा 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 चल रहा है। रूम रेडी हो चुका है लेकिन अभी तक मैं रेडी नहीं हुई हूँ। बाहर हमारी कुर्बानी भी एक अदा कट चुकी है हमारे एरिया में। शुड आई सी और नॉट? सारे आदमी बैठे हैं। नहीं दिखा सकती भाई, बड़ा मुश्किल काम है, सारे आदमी बैठे हैं। तो अभी हम चलते हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि आज रेडी होने की नीड है क्योंकि गोश्त गोश्त में काम करना, मैं भी कसाई बन जाती हूँ वैसे ईद वाले दिन, छोटा सा कसाई बन जाता हूँ। तो देखते हैं अभी, बस कुर्बानी इंशाल्लाह हमारी जल्दी कटने वाली। मैं तो सो के उठ भी गई थी और पता है उठी मैं कैसे हूँ, डांटों से मैं उठी। वैसे डांट लगनी भी चाहिए थी कि ईद वाले दिन कौन सा होता है, लेकिन खैर है, नो प्रॉब्लम। ड्रेस का तो मैं सोच रही हूँ कि ईद वाले ड्रेस नहीं पहनूँ क्योंकि वैसे ख़राब हो जाने भी, हमने वैसे ही गोश्त में जाना है क्योंकि जो मेल्स हैं कुर्बानी के लिए वो आ चुके हैं सारे, और बस मतलब अभी कुर्बानी होने वाली है तो क्यों ना थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया जाए ताकि पता तो चले कि भाई ईद है। सो लेट्स गो। ओ माय गॉड, इसको जब भी मैं खोलूँ ना ये मुझे ऐसी मिलती है, पता नहीं क्यों, ये वैसे मेरी है और मैंने सारी आगे करके ऐसे करके रखी हुई है बॉटल्स की, कोई एक भी गिरी ना तो हो गया काम पे। तो चलो थोड़ा सा मेकअप करते हैं और आज इसको मैं हाथ में लगा रही क्योंकि इसको हाथ में लगाऊँ ना एक डेढ़ घंटा मेरा लग जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा फिर। सो लेट्स गो, मेकअप चेकअप करते हैं और फिर मिलते हैं। ये थोड़ी सी फिजान ने वीडियो बनाई थी कि गाय के लास्ट मोमेंट भाई बोझ चलो रही हूँ, गाय के लास्ट मोमेंट की वीडियोज़ हैं कि मैंने कहा था चलो थोड़ी सी बना लेंगे। मैंने वैसे नहीं देखी थी, अभी अभी मैंने देखी है आपके सामने कि हमारी गाय कैसी दिख रही है। वाह, कितनी मैं लगती हूँ बच है। अभी बस इसको ज़िबा करने वाले हैं, सब मैं आगे करने दिखा रही हूँ। मैं मेकअप करी थी और मुझे मेकअप की ड्यूरेशन में पता चला कि भाई आने जो गेट तो बंद करो। ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मेरा मोबाइल चलाने की गया है, मैं कहाँ आई दिखती नहीं, अल्लाह मैंने देख सकती है, मैं जा रहा हूँ। हाँ वैसे हमारी हमेशा इजी पीसी गाय आती है। अभी यार सारे लड़के, मैं तो जा रही हूँ, बाय बाय। बस देख लेंगे फिर, हमने वीडियो बनाई ना फिर देख लेंगे। चपाटर लग रही है अभी। वैसे हमारी हमेशा ना, हमेशा जब भी हमारी अभी तक आती है ना, सारी इतनी मासूम शरीफ गाय आती है ना, मैं कहती हूँ कि आए भाई बदमाश किस्म की गाय, जिसको उतारते में भी डर लगे थोड़ा भाग भाग भी जाए वो, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। खैर अभी चलते हैं, हम रेडी होते हैं फिर मिलती हूँ, पक्का वाला रेडी होके मिलूंगी।
ओके जी आई एम रेडी और मुझे बताना है कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब आप सबको ईद मुबारक। और जब तक मैं रेडी होके आई हूँ हमारी गाय कर चुकी है, सारे लोग आके अंदर बैठ चुके हैं और खाना भी बन चुका है। मैंने जाना है सैलड वैलड बनाना है, मैं चलती हूँ सैलड बनाती हूँ। और जब तक आप कमेंट में तारीफें कर ले मेरी, लाइफ बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत हसीन लग रही हो। किंग भाई साहब, भाई साहब, हेलो का भाई साहब। जो चीज़ है ना ये मुझे इतना रुलाता है ना, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आप ऐसे बात कर रही कोई खासा फर्क नहीं पड़ा इस हेलमेट का। इस हेलमेट के अंदर ही मुझे आंसू पूरे हैं। मैंने सोचा ये लाइफ हैक होगा, ये एक मैंने जगह देखा था, लेकिन मेरे लिए नहीं है भैया, मेरे हेलमेट के अंदर भी आंसू आ गए थे। मैं पहना था कि मेरे आंसू की वजह से मेरे मेकअप नहीं खराब हो, लेकिन इस हेलमेट ने मेरे साथ नहीं किया, मतलब ये हैक मेरे लिए काम नहीं किया। थोड़ा सा आई थिंक फर्क पड़ा है कि ये ज़्यादा नहीं हुए, वरना तो मैं एक बस स्लाइस काटती थी और बस मेरे आंसू निकलना शुरू हो जाते थे, और इसमें पहनने के बाद एंड तक चलो बरकरार थी। तो मतलब थोड़ा सा काम है, लेकिन फुल अच्छे तरीके से हैक नहीं हुआ। सैलेड तो बन चुका है, सासा खाना ही बन रहा था, खाने का भी देखते हैं। अभी तक मेरी आंखें जल रही है, खाने का भी देखूँगी खाने में क्या क्या बनाया है। शेफ निमरा ने यहाँ गोश्त मैरिनेट होकर रखा हुआ है, कीमा को डोनट के तरह के बनाया है, कीमा डोनट बन रहा है गाइस। एंड व्हाट्स इनसाइड दिस, मुझे लग रहा है इसके नीचे कुछ भी कुछ है, लेकिन पकने के बाद हम देखेंगे, फिर खोएंगे, तो मजा करेंगे। बड़ी इतना वैसे अभी जो मेरा वेट गेन होगा ना, अब देखना मैं कैसे वेट गेन करती हूँ। जिनको नहीं पता ना, मेरे बहुत दुख लगा हुआ था, बड़ी ज़्यादा है ना, अब वेट गेन। लेकिन हमें ज़्यादा गोश्त भी नहीं खाया जाता, आई एम नॉट अ गोश्त होश, थोड़ा थोड़ा। खैर चलो भाई, ये तो हो गया सारे उनके हिस्से शिस्से। और उन्होंने पर्दों को देखो जरा, इनको क्यों लटकाया ऊपर, क्या हुआ? हाँ वो धो लेंगे, फिकर नॉट। अब इनके हिस्से करते हैं, अब यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट होने वाला है। बाकी भाइयों का काम जो है वो खत्म हो चुका है, सारे जो लड़के वड़के थे वो भी चले गए। अब हम बनेंगे छोटा कसाई, वैसे हमें बनने की नीड नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। चलो भाई, ये एक हिस्सा बन गया, ये दूसरा हिस्सा बन गया, वो तीसरा हिस्सा बन गया, ये और ये। अब निमरा आज तो अब तुमसे पूछते हैं, घूम जाओ, तुमने वैसे सामने हुआ है क्या पीछे? तो अभी तुम्हें तो नहीं पता ना किसके अकॉर्डिंग डाला है हमने, वैसे बराबर बराबर निमरा को बुला ले, चलो जाओ कुरानदाजी करे वो करेगा वो, निमरा ने देखा मैंने भी सारा, ये 2 और ये और ये वाला 3, ठीक है। अभी क्या है बस ऐसे बता दो कौन सा तुम अभी साथ में, मतलब इसमें क्या है, बराबर तो डला है सारा, लेकिन फिर भी अपने दिल को तसल्ली के लिए करते हैं, पीछे घूम जाओ। ये मेरे मामा ने हिस्से बनाए ना, मैंने हम लोग दोनों ने मिलकर किया। अच्छा इनको लग रहा है हम सही काम नहीं करते हैं, ऐसे पड़े हैं। चिमैना है फकान भाई, चलो भाई को बुलाते हैं, भाई से पूछते हैं। ये 1, ये वो वाला 2 और वो पतीले वाला और ये वाला मिला के 3, तीन तीसरा हिस्सा हो गया। आओ घूम जाओ देखना नहीं, घूम जाओ 1 2 3 कर देना, ठीक है। अंदर तो पड़ते में क्यों चलो भाई ने बता दिया, वो बाहर वालों का, ये बाहर वालों का मतलब के गरीबों का और मसाकीन का, ये हमारा हो गया। और ये अभी इनमें से हम अपना निकाल के बाकी इन सबके हिस्से बनाते हैं, रिश्तेदारों का भी अपना भी। हाँ और छोटे कसाई के हाथों का हुशर देख रहे हैं मेरे हाथ, फोकस, ये कैसे नहीं जाएगी इसके अंदर, होल थोड़ी हुआ, तुम्हारी हवा अंदर जाएगी, नहीं जाएगी। चलो दीवान का तुमने एक्सपेरिमेंट पे लगाया, अबे वाओ ये है क्या बोलते लाइव, वाह निमरा हाउ तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट दिखाए क्या तमीज से, नाइस। कौन सी वो वाली एक्सपेरिमेंट दिखाना था, एक दफा और अबे कैसी नलकी है देखो,
हाय कैसे इंसान भी क्या चीज है क्यों क्योंकि वायलेशन में आता है क्यों हाँ बहन खून थोड़ी है ये कुर्बानी है लोगों को पता है कुर्बानी में खून आता है वॉट इज यहाँ के आपको खून दिख रहा है गाइस आप बताएं नहीं दिख रहा सारा गोश्त है गोश्त में कौन सा वायलेशन है फेफड़े बाप ने हमने एक्सपेरिमेंट किया है मार के चक्कर निम्र सी है निम्र बोलती है यू 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 गोश्त है मैं तो हाथ नहीं लगा रही आपको मार ये नाजुक कली वाली लड़की है जो बोलती है यू 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 सैनिटाइजर ले गया चलो यार बस फजूल काम कर रहे हैं हम ओए होए होए मैं छोटे शाबाश कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ तभी तो मैं नए कपड़े नहीं पहनती पड़ी इसको यहाँ तीन लोग बैठे हैं कसाई की सूरत में एक सबसे पहले आपकी बहन जिसने सारे हिस्से बना लिए जो भी आएगा उनको देते देते जाएंगे दूसरी बहन की वालिदा और तीसरी बहन के भाई साहब सब काम पे लगे हैं और बहन की बहन कहाँ है बहन की बहन को किस मेरा ना वो आती नहीं इस रूम में छुई मुई सी औरत अरविंद बोलते छुई मुई अरविंद बोलो कि नीनी है छुई मुई लोगों को लगता है आपकी दीदी काम वाली लेकिन आपकी दीदी इतने काम वाले ना कि सारा सामान दीदी ने यहाँ पे देखते देखने में इतना सा लगता है लेकिन जब आप पैक करो ना फिर पता चलता है कि एक्चुअल क्वांटिटी क्या है सो देख रहे हो दीदी दीदी भी बहुत काम वाली है कुर्बानी के बाद रूम को इस हालत में देखने का जो सुकून है ना ओहो वो सुकून कहीं पर भी नहीं है ओके फ्रेंड्स तो दिस इज़ ऑल अबाउट ईद डे के आज का मेरा दिन कैसा गुजरा एंड आई होप कि यू एंजॉयड इट पता नहीं मैंने क्या ही व्लॉग बनाया है आई डोंट नो बट दिस इज़ जस्ट मेमोरी टू सेव एंड टू शेयर और कुर्बानी के साथ साथ अल्लाह कहे कि हमारे गुस्सा मेरे सबसे पहले अपना गुस्से की दुआ मांगूँ कि अल्लाह मेरा गुस्सा भी कुर्बान कर दे क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ तो जो जो आपकी बुराई है ना आप इस ईद पर उसको भी कोशिश करें कि आप उनको ख़त्म कर दें इंशाल्लाह और ये फाइनली ये रूम वापस अपनी सूरत हाल में आ चुका है अब सारे काम शाम ख़त्म हो चुके हैं अब जाते हूँ जाके सोती हूँ और आई होप कि आप लोगों की भी ईद बहुत अच्छी गुजरी हो जैसे कि मेरी गुजरी है मतलब मुझे तो बहुत ही मज़ा आया है पिछली ईद पे आई वॉज लिटिल बीमार लेकिन इस वजह से मैंने वो ईद ज़्यादा इंजॉय नहीं की थी बट अभी बहुत अच्छा लगा वो फील होके और एंड टाइम तक इतनी मैं मासी हालत में हो गई ना आई डोंट नो वो लोग कौन से लोग होते हैं जो कि सुबह से लेकर रात तक एक ही हुलिये में होते हैं भाई हमसे नहीं हो पाता सुबह सब चलते हैं कल का पता नहीं क्या सीन होगा अभी एग्जाम्स भी आने वाले एग्जाम्स की भी तैयारियां करनी है फाइनल्स हैं बडीज सो यस दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप कि आप लोग भी ठीक होंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए ब्लॉग के साथ स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड स्टे स्पार्कलिंग फी अमान अल्लाह हाफिज़